हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y28 5G फ़ोन है, तो वीवो Y28 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे आप हाइड कर सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और फ़ोटोज़ को कैसे हाइड कर पाएंगे फाइल्स में जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन सेंस शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा फाइल्स गैलरी पे। तो फाइल ऑप्शंस पे जाते हैं तो फाइल ऑप्शन से ओपन हो जाएगा। ओपन होते जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आप हाइड करना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं, छिपा सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं फ़ोटोज़ को, देख सकते हैं। पहले बैक करना है, यहाँ से फाइल गैलरी ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते जो भी फ़ोटो उसको छिपाना है या हाइड करना है तो आप कर सकते हैं, सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर पे करके पासवर्ड डाल देंगे, तो फ़ोटोज़ वगैरह जो आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने फाइल ऑप्शन में। और आप चाहें तो वीडियोज़ भी आप हाइड कर सकते हैं, चाहें तो वीडियोज़ को भी छिपा सकते हैं। कोई भी वीडियो सेलेक्ट करते हैं और हाइड करते हैं तो मूव टू सेव फोल्डर करते वीडियोस भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं और आपके फ़ोन में शो नहीं करेगी क्योंकि हमने हाइड कर दिया। और आप देखना चाहें तो सेव फोल्डर के जरिए फोटोज़ हाइडिंग फ़ोटोज़ को आप देख पाएंगे और शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से भी फ़ोटोज़ को आप शो कर सकते हैं, हाइडिंग फ़ोटोज़ को, और देख सकते हैं फाइल ऑप्शन पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।